गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई अब्बास खान वेलकम यू टू ऑल टू दिस नंबर वन चैनल आइकॉन न्यूज, वेयर वी हैव टू लीजेंड्स, मिस्टर फैजान एंड शामा फैज। Good morning. My name is Faizan. Good morning. Myself Shama Faiz, and I am an aircraft maintenance engineer. तुमको नहीं introduction? Faizan and Faiz. And to very interesting topic, human digitalization. Mr. Faizan, he is a software engineer. And Mr. Faz, he is a aircraft engineering. पहले जब पूरे दुनिया में कंप्यूटर 1960 में आया था, ये उस टाइम 1960 में जब आया था, उस टाइम ये ज़्यादा क्रेज नहीं थी कंप्यूटर की। तब उसकी कीमत उस टाइम 10 लाख रुपीज़ थी, जो उस टाइम की कंप्यूटर की कंपनी की नाम थी HEC 2M। और जो आज चलते हैं कुछ डिजिटलाइजेशन इन ह्यूमन लाइफ के बारे में। आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, दो लीजेंड्स हैं, फैजान एंड फैज। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है आने के लिए। डिजिटलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर? डिजिटलाइजेशन से लोगों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। डिजिटलाइजेशन होने के कारण अभी तक बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला भी गया है। इसके सबसे बड़ी वजह है कंप्यूटर यानी मशीन का आ जाना, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारा निकाल जॉब से ना निकाला भी गया है। बहुत सारे लोगों को इसके वजह से नौकरी मिली है, जिसकी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा आई टी फील्ड ने ग्रोथ कर रहा है डिजिटलाइजेशन होने के कारण। तो इसके इम्पैक्ट सीधा सीधा मालूम में जाके आपके बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके रहने सहने, खाने पीने, आपकी शॉपिंग, आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर भी पड़ा है। फिर जैसे पता है कि डिजिटलाइजेशन आने से लोगों की जॉब बहुत कम हो गई है, इसमें आप में क्या समझते हैं, लोगों की जॉब कम होना है, लोगों को अब तो डिजिटलाइजेशन तब से आ गया, तब से जो काम पहले एक घंटे में होती थी अब 1 मिनट में हो जाती है, 10 मिनट में हो जाती है। जी जी बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन आने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हर चीज़ में। हाँ, जैसे कि जॉब में अगर देखा जाए, जहाँ पे लोग 50 लोग काम करते थे, आज वहाँ पे 5 लोग काम करते हैं। मैन पावर कम हुआ है, क्योंकि अब वो उतना काम अब कंप्यूटर 5 लोग मिल करके कर देते कंप्यूटर से। तो जॉब पे बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट पड़ा है। मगर हाँ, डिजिटलाइजेशन आने से ग्रोथ हुआ है किसी भी सेक्टर को। मैंने बताया कि डिजिटलाइजेशन आने से बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत सेक्टर बढ़ा जी। आपका कहना बिल्कुल सही हो जाती है, आपका भी कहना सही है, लेकिन अभी ये कि बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ इंटरनेट सुविधा भी बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है डिजिटलाइजेशन होने के कारण। लेकिन लोगों को तक वैसा सुविधा पहुँच नहीं पा रहा है, उनके तक वैसा सुविधा भी पहुँचा नहीं है जहाँ इंटरनेट काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर टिका हुआ है। बहुत सारी मशीनें चाहिए, सेटअप चाहिए, तो वो सेटअप भी बहुत सारे गांव में नहीं है, जिसके कारण भी बहुत सारे लगभग 30% के पास अभी ये सेटअप नहीं है, जिसके कारण अभी वहाँ ट्रांजेक्शन करना वही पुराने तौर तरीके यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप किस रोल में इस तरह किस फैक्टर से देखना चाहते हैं मीडिया को? देखिए मीडिया जो है ना, वो पहले मतलब जो मीडिया का इंटेंशन था किसी भी चीज़ का है, जो भी चीज़ है, जैसे कि अगर मीडिया है या मान लीजिए अगर पानी है, मैं एग्जांपल दे रहा, पानी है, तो पानी का उसका काम ये है कि अपनी प्यास बुझाए, है ना, एक एग्जांपल है। उसी तरीके से मीडिया का भी काम क्या कि हमारे तक खबर लाके पहुंचाए। मगर आजकल की जो मीडिया है, खबर तो देती है मगर इतना उसमें मिर्च मसाला मतलब तिल का ताड़ बना कर देती है, मगर वहाँ बहुत जो उसका जो काम था, जो उसका, जैसे कि आज मीडिया है तो मीडिया का काम क्या है कि गवर्नमेंट से कहीं पर जहां पर वो काम नहीं करे, गवर्नमेंट से सवाल करे,
गवर्नमेंट को बोले, ऐसे गवर्नमेंट कितना भी अच्छा काम करे मगर गवर्नमेंट का जो ये है, कोई भी चीज में परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी होती है, तो गवर्नमेंट से सवाल करे, बट मीडिया का ये पूरा रोल ये खत्म हो गया। जैसे बता रहे कि मीडिया का रोल खत्म, मीडिया तो बहुत बड़ा काम करता है, आपको पूरी जगह खबर कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, फिर उसके पास आप लोगों तक पहुंचाते हैं कहाँ पर किस कंट्री में किस स्टेट में क्या हुआ, किस गलती हुई, किस नेता ने क्या दिखाया, किस नेता ने क्या मत क्या किया, ये सब तो मीडिया का रोल है। सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये लोग कुछ लोग कहते हैं इसको मीडिया से बड़ा कहते हैं। जी मीडिया का अभी के दौर में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूज़ एंकर वाले या बहुत से न्यूज़ चैनल वाले कभी कभार गलत खबरें दिखाते हैं, फेक न्यूज़ दिखाते हैं, ये चीज़ बहुत गलत बात है। फेक न्यूज़ मामले में जैसे कुछ भी कहीं मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है फेक न्यूज़ में, ये चीज़ मालूम नहीं होना चाहिए। काफ़ी हद तक मीडिया के आने की वजह से हमारा देश तरक्की किया है, जो घोटाले हो रहे थे वो घोटालों को सामने लाए गए, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। यानी जो लोग मालूम जानते नहीं थे जिसके बारे में, उसके बारे में बताया गया कि मालूम है कि पहले मालूम में बहुत सारे मालूम गैंगस्टर वगैरह थे, वो मालूम पकड़ाते नहीं थे, लेकिन मीडिया की वजह से अब हर लोग जानते हैं कि मालूम है कौन कैसा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नजरे में वो लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉफिट हुआ लोगों को। नहीं मीडिया आप जो बोल रहे हैं मीडिया की वजह से नहीं हो रहा, ये मीडिया की वजह से नहीं हो रहा, इसलिए कि बिहार में जब देखिए मीडिया जो है ना वो सरकार से दबी हुई रहती है, दबी हुई रहती है। अगर सरकार ने अगर दिया तो वही मेरा कहना है, मीडिया दबी हुई नहीं रहती है, तो नहीं ना दबी नहीं, मीडिया हमेशा सच्चाई दिखाने का काम करती है, सच्चाई दिखाने का काम करती है, बिल्कुल हमेशा जानते हैं, मगर सारी मीडिया नहीं। और आज के दौर में 98% मीडिया सच्चाई को छुपा के बात करती है, सरकार की जो सच्चाई है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं, आप जैसे मैं एग्जांपल दे सकता, आपने क्या बोला कि जहाँ पे जैसे गैंगस्टर थे वो चीज खत्म हुआ मीडिया के आने की वजह से। आपको पता होगा जब यहाँ पे हमारे जो एक्स प्राइम थे चीफ मिनिस्टर थे बिहार के श्री नीतीश कुमार सॉरी लालू प्रसाद यादव, तो वो जब थे यहाँ पे तो तब भी मीडिया थी, मगर यहाँ से क्या जो गुंडा रास्ता खत्म हुआ था उनके दौर में मीडिया ग्रोथ वैसा नहीं था, मगर मीडिया था ना, मीडिया था लेकिन वो ग्रोथ नहीं था। तो आज भी तो यूपी में गुंडा राज चलता है, बहुत सारे मीडिया दिखाती है, बहुत सारे मीडिया सरकार की सपोर्ट भी करती है, सपोर्ट उनका क्या है रोल वो पता नहीं है, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा ना कि जो देखिए 98% जो मीडिया है ना वो बिल्कुल मतलब सरकार के हित में बात करती है, जो कमी है वो नहीं दिखा रही। आपको ऐसा लग रहा है जो कमी है नहीं दिखा रही, क्योंकि मालूम है आप उस नजरिए से देख रहे हो उस चीज को, अगर आप नजरिया बदल ले तो आपको मालूम है जाएगा। नहीं अगर आप एजुकेशन पर बात करती है, इंडिया हेल्थ पर बात करती है, तो हेल्थ पर क्या बात करती है, अभी कोरोना आया वेंटिलेशन की कमी हो गई, हॉस्पिटल की कमी हो गई, बेड की कमी हो गई, मीडिया ने दिखाया आपको वो चीज, तो पहले दिखाना चाहिए ना, जब फिर वही बात होगी ना, जब मतलब बोझ के फिर कोड़ा रोकना, पहले दिखाती, पहले कभी बताती कि आपके पास ये कमी है, आपको ये जरूरत होगी, तब ना आप जानते कि आप बेस्ट है मीडिया। मीडिया आपको डेली आपको बता रहे थी किस चीज से बचना है, किस चीज में आपको जाना है। आजकल लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको समझ में आता है कि मुझसे किस चीज से बना, क्योंकि हम आप जो भी मतलब आजकल जो लोग हैं जो न्यू जनरेशन आ रहा वो पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आता है मुझे किस चीज से बचना और क्या करना है। मीडिया का एक अहम भूमिका भी है इस पूरे वर्ल्ड में। हैकिंग डिजिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा हैकिंग है जी, लोग अगर मालूम है सिक्योर से रहें, अपने OTP या अपने पासवर्ड किसी शेयर ना करें, अपने फोन को अच्छे से लॉक लगा के रखें, तो आप उस हैकिंग से बच सकते हैं। आप कोई अननोन ऐप है डाउनलोड ना करें, इसकी वजह से मालूम सरकार ने मना कर रखा है, जिस पे बैन लगा हुआ है। हाँ नहीं देखिए हैकिंग भी है ना, तो देखिए हर चीज को लेकर एवरी कॉर्नर ऑफ फ्लिप साइड पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसी तरीके हैकिंग का भी मतलब ऐसा पॉजिटिव भी है और इसका नेगेटिव भी है। अब जैसे नेगेटिव कैसे है कि बहुत सारे लोग ऐसा
आप किसी बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, किसी का फोन हैक कर लेते हैं, किसी का कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, किसी का पूरा सर्वर हैक कर लेते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। मगर इसका जैसे कि अगर आप मान लीजिए सरकार के अंदर रह के काम करें, गवर्नमेंट के अंदर रह करके आप काम कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा हैकर काम कर रहे हैं आप, इसका बहुत फायदा भी है। जैसे किसी कहीं पर अगर मान लीजिए वार हुआ, किसी कंट्री से वार अगर हुआ, उसका हम लोग अगर इतना अच्छा हैकर अगर है तो हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी चीज है सबकी उसका इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर रहता है, उससे हम लोग दे सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन। इसका एक पॉजिटिव भी है। इससे आप क्या एडवांटेज क्या दे सकते हैं डिजिटलाइजेशन से, क्या फॉर्म अभी फिलहाल फिलहाल अभी मालूम है इसी साल की बात है, एक बच्चे ने गूगल को हैक कर लिया और गूगल को कुछ देर के बाद उसने बताया कि आपके एप्लीकेशन में सर्वर में ये बग है, आप इसे दूर कर लें। और गूगल ने उसे अभी मालूम है जॉब के लिए जो भी चीज है, देखिए होता है ना कि मैंने कुछ काम किया, मैंने अपना काम किया तो उस पर एक आता सुपरवाइजर जो चेक करता है क्या कर रही है। उसी तरीके से जैसे गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है वो, मतलब वेबसाइट है, तो उसपे क्या कमी है वो निकाल के बताया कि आप ये कमी है। ऐसा थोड़ी को उसने जो ये किया मतलब वो हैक करने का उसका फिर उसका मिसयूज किया, ऐसा नहीं। जो उसका यूनिक कैसे बता रहे हैं टीम डेव स्टार ट्यूटोरियल 2.0 टीम लीडर बिंदु कुमार, एंकर मैम एमडी अब्बास अहमद खान, कैमरामैन मुकेश कुमार, एडिटिंग बाय विकास कुमार, स्क्रिप्ट बाय जाशिका कुमारी, टेक सपोर्ट बाय त्रिश कुमारी, गाइड सूरज एंड गुंजन। थैंक यू।